हेलो फ्रेंड्स, आज हम हागाहिलिया यूनिवर्सिटी और लैब यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज के जेन 23 इनटेक के बैचलर कोर्सेज के लिए जो रिटन एंट्रेंस एग्जाम वो कंडक्ट कर रहे हैं उसका सैंपल पेपर देखेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आप इसके लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे फिनलैंड स्टडी वीज़ा के रिलेटेड वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किए थे जिनको आप फिनलैंड स्टडी वीज़ा प्लेलिस्ट में देख सकते हो। हमें काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज मिली कि हमें प्रेपरेशन इन जो एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रेपरेशन के टिप्स दिए जाएँ, तो आइए हम जल्दी से देखें हागाहिलिया और लैब यूनिवर्सिटी की तरफ से जो सैंपल पेपर आया है। पहले हम वो देखते हैं, उसका फॉर्मेट देखते हैं। जो एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्मेट है, जो कि मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूं, उसमें 3 सेक्शंस होंगे। जो ये 3 सेक्शंस हैं वो ये सेक्शंस हैं, जिसमें फर्स्ट सेक्शन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ये जनरली आपको एक वो पैराग्राफ फॉर्म में टेक्स्ट दिया होगा एंट्रेंस एग्जाम में, जिसको देख के आपने उसी जैसे हम 9th 10th में इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन करते हैं और कॉम्प्रिहेंशन एक पैराग्राफ को पढ़ के क्वेश्चंस के आंसर उसी में से ढूंढ के टिक करने होते हैं, तो ये बिल्कुल वैसा ही टेस्ट होगा। तो इसके जो मैक्सिमम 10 पॉइंट्स हैं, आपको पासिंग पॉइंट्स 4 चाहिए। तो जो सेकंड सेक्शन है दैट इज लॉजिकल थिंकिंग एंड मैथ्स टेस्ट, जिसके 30 पॉइंट्स मैक्सिमम है, उसमें से आपको पासिंग 8 स्कोर करना है। एंड देन यू नीड टू राइट सम एसे, तो जिसके 30 पॉइंट्स हैं आपको उसमें से 10 स्कोर करना है। तो चलिए हम देखें सैंपल टेस्ट को देखें। सो स्टूडेंट्स, सैंपल टेस्ट को अगर देखें तो ये आपको मैं सबसे पहले ये पैराग्राफ दिखाता हूँ। इन्होंने ये सैंपल टेस्ट में ये पैराग्राफ दिया हुआ है जिसको आपने पढ़ना है। दिस इज एग्जीक्यूटिव समरी, राइट? एग्जीक्यूटिव समरी, आप इस पैराग्राफ को पढ़िए। फर्स्ट पेज, ये सेकंड पेज कोई फिगर बनी हुई है। व्हाट इज द करंट साइज ऑफ कोलैबोरेटिव इकोनॉमी, और ये थर्ड पेज है। एंड देन डाउनवर्ड हम फर्दर ट्रांसपोर्ट, एंड फोर्थ पेज, एंड अगेन देयर इज अ फिफ्थ पेज, राइट? एंड सिक्स पेजेस, राइट? तो ये सेवंथ पेज, सात पेजों का ये जो उन्होंने टेक्स्ट दिया हुआ है उसके बेस पे अब हम क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है, According to page 1 of executive summary, आपको executive summary को पढ़ के ये 3 questions में से जो सही option है उसको mark करना होगा आपको। ये according to page 3 of executive summary, according to page 4 of executive summary, ये आप कर सकते हैं। तो ये 5 questions हैं जो आपको उस paragraph में से study करके, 7 pages में से study करके इनके answers mark करने हैं। जल्दी से अब हम आ जाते हैं logical thinking test पे, तो इसको हम analysis करते हैं। तो ये test 30 points का है, right? तो इसके first question पे आते हैं, थोड़ा सा हम पढ़ें। The normal price of a product is 200 euros, a discount of 40 euro is given. तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो बुक आती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में से लिया गया है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का प्रॉफिट एंड लॉस जो है टॉपिक, ये उसका क्वेश्चन है। एंड सेकंड क्वेश्चन का एनालिसिस करें। 60% ऑफ एम्प्लॉइज आर फीमेल, ये परसेंटेजेस टॉपिक, अगेन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में परसेंटेजेस टॉपिक में से ये क्वेश्चन लिया गया है। थर्ड क्वेश्चन पे आए, द प्राइस ऑफ ए प्राइस इज डिस्काउंटेड बाय 20%, ये अगेन प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, इंडिकेट द फर्स्ट वैल्यू इन द सीक्वेंस, ये वर्बल रीजनिंग वाली बुक में से जो सीक्वेंस एंड सीरीज क्वेश्चन होता है, ये उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। एंड फिफ्थ क्वेश्चन को एनालिसिस करें, ये एवरेज इस टॉपिक में, अगेन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक में ये मिलेगा। ओके, अ शेयर लॉस्ट 80% ऑफ वैल्यू। सिक्स्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम परसेंटेज टॉपिक। सेवंथ क्वेश्चन, मैनेजर्स चूज टू
three products out of five possibilities to take in production, how many different ways. ये permutation and combination का question है. Again quantitative aptitude में ऐसे question मिल जाते हैं. Eighth question को analyze करें, ये non-verbal reasoning का question है. Non-verbal reasoning में भी series topic, classification topic आते हैं, analogy topic आता है, ये उसमें से आप इस type के question prepare कर सकते हैं. Right, and ninth question again percentages का क्वेश्चन है, तो परसेंटेज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस टेस्ट के लिए, उसमें से काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं. टेंथ क्वेश्चन जो कि प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है, तो ये भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में से आ जाएगा. इस पर्टिकुलरली पार्ट को करने के लिए आपको कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए, ये आर एस अग्रवाल की, ये आप एस चांद पब्लिकेशन की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की पुरानी बुक बाय कर सकते हो. इसमें आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स देखें तो इसमें आपको ये परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक ये इसमें से मिल जाता है आपको आसानी से. एंड जो हमने देखा था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ये भी यहाँ से मिल जाएंगे आपको टॉपिक. इसके साथ एडिशनली जरूरी नहीं है अब भी इन्हीं टॉपिक्स में से आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो आपको जनरली अलजेब्रा के रिलेटेड जितने चैप्टर हैं, ये पर्टिकुलरली ये वाले चैप्टर, ये आपको टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, बोर्ड्स एंड सिस्टम्स, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, एलिगेशन मिक्सचर, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये चैप्टर्स आपको प्रिपेयर कर लेने चाहिए. राइट, ज्योमेट्री छोड़ के आप ये वाले चैप्टर जरूर करें. साथ में दो चैप्टर मैंने आपको बताए थे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी. जो सेकंड बुक है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की, वो आप ये वाली अगेन सेम ऑथर की एस चांद पब्लिकेशन की बुक ये ले सकते हैं. इसका टेबल ऑफ कंटेंट्स देखे तो वर्बल रीजनिंग में जैसे वो हमने क्वेश्चन देखा था, वो सीरीज कंप्लीशन एनालॉगी क्लासिफिकेशन में आपको मिल जाएगा. साथ में मिलते जुलते टॉपिक आप कर सकते हैं इसमें से, कोडिंग डिकोडिंग, पजल टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ये आप टॉपिक्स कर सकते हैं. एंड लिटिल बिट अबाउट नॉन वर्बल रीजनिंग, इसमें से फर्स्ट 5-6 चैप्टर्स में आप 20-20 क्वेश्चंस कर लें डिफरेंट टाइप्स के, दैट विल बी सफिशियंट फॉर योर एग्जाम. और अगर मैं आपको उस पेपर का एनालिसिस बताऊं तो जो हमने एनालिसिस निकाला है, जो उसका मैथमेटिक्स पोर्शन था उसमें 10 क्वेश्चंस थे, परसेंटेजेस में से आपको 4 क्वेश्चंस पूछे गए, एक प्रॉफिट एंड लॉस, एक एवरेजेस में से, एक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में से, एक प्रोबेबिलिटी का, एक न्यूमेरिक सीरीज, दैट इज ये जो क्वेश्चन थे, ये लास्ट वाले दो वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग वाले क्वेश्चन थे. तो ये एनालिसिस था उसका. नाउ थर्ड रिटन टेस्ट के थर्ड पार्ट पे आता हूँ, जो आपको ऐसे राइटिंग करनी है. ऐसे राइटिंग देखें कि इन दिस टास्क योर टास्क इज टू राइट ए समरी एज इंस्ट्रक्टेड बिलो. तो समरी आपको लिखना है, द एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ एनवायरनमेंट पोटेंशियल ऑफ कोलैबोरेटिव इकोनॉमी. ये हमने नीचे देखा था टॉपिक 7 पेजेस में, तो उसको आपको पढ़ के उसकी समरी लिखनी है. ये आपको उस पे क्वेश्चन दिया गया है, आपको इस वो जो गिवन टेक्स्ट है उसको रीफ्रेज करके इस क्वेश्चन का आपको आंसर कर देना है. दैट मींस यू डोंट हैव टू राइट योर ओन एसे, या कुछ ऐसा टॉपिक नहीं है कि जिस पे आपको बिल्कुल ही खुद ही अपनी तरफ से ही बनाना होगा. नो, आपको कुछ मटेरियल दिया होगा, उसको रीफ्रेज करके आपको इस क्वेश्चन का आंसर कर देना है. सो स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल अबाउट द एंट्रेंस एग्जाम ऑफ हैगा हिलिया एंड लैब यूनिवर्सिटी. हम आगे भी आपको जो वासा यूनिवर्सिटी है उसका भी जो 10 मिनट्स का वीडियो रिकॉर्ड करना है, उसके रिगार्डिंग भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको टिप्स दूंगा. एंड इन द एंड आई वांट टू से यू विश गुड लक, एंड लगातार यूरोप स्टडी वीजा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच.